हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ ऑडिशन के लिए। ओपन ऑडिशन हो रहा है अंधेरी वेस्ट में, आप लोगों को पता होगा, फन रिपब्लिक मॉल। तो वहाँ पर जाने वाले हैं और साथ में वीडियो को देखिएगा। ऑडिशन में क्या क्या होते हैं, कैसा एटमोसफियर होता है वहाँ पर, कितने एक्टर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। सामने यशराज है ना, यशराज स्टूडियो, और उसके सामने बालाजी टेलीफिल्म्स। दोनों स्टूडियो सामने सामने हैं। ये आ गया बालाजी, अल्ट बालाजी, एकता कपूर मैम का। यहाँ पर शूटिंग होती है? अरे बाप रे बाप, आगे चलो, आगे लगो, आगे लगो, ऑडिशन की लाइन लगी है। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऑडिशन के लिए, और ये रहा ऑडिशन की भीड़। चलो देखते हैं जाके क्या होने वाला है। सो जैसे आप देख सकते हैं, इधर ऑडिशन के लिए भीड़ लगा है, हम सब एक्टर्स आए हुए हैं, और जस्ट यशराज स्टूडियो ये सामने, और ये रहा लंबी लाइन। यहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ इनके पीछे। और ये आप देख सकते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स। तो ये एक एक्टर की लाइफ है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑडिशन क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ मौका मिलता है। क्यों भैया? ये हमारे भैया, कैसे, आपका नाम क्या? मस्त है, जय सूर्या। जय सूर्या। आप कहाँ से हो? बिहार से हैं। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया मुंबई आके? 3 साल से। अच्छा, 3 साल से आप हो। चलो, गॉड ब्लेस यू, लगे रहो। ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि आप भी सक्सेस पाओ जल्दी, आप सब पाओ, जितने भी कलाकार हैं सबका सम्मान है, लगे रहो। तो बहुत लाइनें में थोड़ा साइड में आके बैठा हूँ, आप देख सकते हो। मैंने सोचा थोड़ा बैठ जाओ यार, क्योंकि लाइन बहुत लंबा है, और एक एक्टर के लिए तो मतलब स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जा रहे हो? अरे यार, अभी बैठा, अभी जा रहे हो। देखो, ये भी हटा दिया, अब मेरे को लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा। चलो ठीक है, लाइन पे खड़ा रहूँगा भाई। तो ये बालाजी टेलीफिल्म्स के सामने देख रहे हो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, ओपन ऑडिशन है, और सब एक्टर को सम्मान है मेरा, जितने भी कलाकार आए हैं। तो चलो लाइन में लग जाते हैं। ये रहमान भाई हमारे खास दोस्त है, ये भी ऑडिशन के लिए आए हैं। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, इनका ऑडिशन अच्छा आ जाए, मेरा भी अच्छा आ जाए, मैं भी ऑडिशन के लिए ही आया हूँ भाई। सिलेक्ट हो जाओगे। या यार, थैंक यू। ये दादा ने बोला सेलेक्ट हो जाओगे आप। चलो, इनकी ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि इनकी दुआ कबूल करें जो इन्होंने कहा। तो आप देख सकते हैं कि ऑडिशन में क्या क्या होता है, कैसे हम एक्टर और एक्ट्रेस कितनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद जो है एक मुकाम हासिल होता है एक अभिनेता को। तो हम खड़े हैं यहाँ लाइन पे और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ऑडिशन कब हो। सारे एक्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और जो आप भीड़ देख रहे हो, ये यहाँ से शुरू हो के यहाँ तक जा रहा है। तो सब अभिनेता है, उनको सम्मान है। आप लोगों को लगता है कि ऑडिशन देना मतलब छोटा मोटा बात है, लेकिन यहाँ भीड़ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक एक्टर को पेशेंस रखना चाहिए और अपना सब्र के साथ काम करना चाहिए। ये देखो, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी मैं भी जाऊँगा अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है, कैसा ऑडिशन हो रहा है। होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा ऑडिशन रहा मेरा, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं यशराज सॉरी बालाजी टेलीफिल्म्स अल्ट बालाजी का स्टूडियो है ये आपके सामने जो आप देख रहे हो। और यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, ये देखो ऑडिशन की लाइन, डन 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 डन, लाइन ही लाइन है। इसमें मैं भी खड़ा हूँ, मैं अभी पानी पीने आया हूँ फिर जा रहा हूँ। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं गया तो ऑडिशन के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो माहौल ऐसा था कि मैंने देखा इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस लाइन में खड़े थे, उस लाइन में मैं भी खड़ा था। तो जो कास्टिंग वाले टीम वाले हैं उन्होंने कहा कि आज जिनका ऑडिशन था उनका हो गया और बाकी जितने एक्टर्स अभी आए हुए हैं वो कल आएंगे। तो बहुत ही परेशान हुआ और मैं कम से कम, मुझे याद है आई थिंक मैं 1 से 1.5 घंटा लाइन में खड़ा था, उसके बावजूद भी मेरा ऑडिशन नहीं लिया गया बिकॉज काफ़ी लोग अंदर ऑलरेडी जो है बैठे थे ऑडिशन देने के लिए और बहुत ही लंबा लाइन लगा है, जैसे कि आप लोग ने वीडियो में देखा होगा, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। तो आ गया मैं घर पे और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी लगे रहिए, ऑडिशंस देते रहिए। और जो लोग अभी इस वक्त जैसे आउट ऑफ मुंबई में जहाँ पे रहते हैं तो वहीं पे रहिए। अभी ऐसा फुल फ्लैश ऑडिशन तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा आप जाके कोरोना के बाद, लेकिन हाँ ड्यू टू COVID-19 की वजह से जो है पुलिस वगैरह भी राउंड अप पे रहती है, तो लाइन देख के पुलिस वाले भी डर गए, बोले किसकी लाइन लगी है। तो सबने कहा कि ऑडिशन के लिए। अच्छा ऑडिशन के लिए लाइन है? तो मेरा ऑडिशन तो हुआ नहीं लेकिन मैं हाँ कल जाकर मैं दूंगा ऑडिशन में भी, तो कल मैं मॉर्निंग में जल्दी जाऊंगा और अपना ऑडिशन दूंगा। बाय द वे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लोग मुंबई नहीं आ सकते हैं उनको भी पता चले कि ऑडिशन में क्या क्या एटमोसफियर होता है, कैसे लाइन होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो बस मैंने सोचा कि ये वीडियो भी आपके सामने लेके आ जाओ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगा और मैं क्या क्या वीडियो लाना चाहिए नेक्स्ट। ओके थैंक यू, लव यू ऑल।